आज हम कल हमने क्या देखा था, कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसका ही दूसरा भाग देखने के लिए जा रहे हैं। दूसरे भाग को जाने से पहले क्या करना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी पिछले क्या हुआ था उसको बता देती हूँ, ठीक है। इस पिछले क्या हुआ था, पिछले भाग में क्या था, पहले भाग में क्या हुआ था, जिसे हमने क्या लेखक का परिचय देखा था। लेखक के परिचय के बाद पाठ का क्या आदेश क्या है, आशा क्या है, आशय क्या है, यह देखा था। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है, धोखे बाजी से बचने की सीख मिलती है ना, इसके बारे में जान। और उसके बाद पाठ की ओर, किस तरह से प्रेमचंद्र जी धोखा खाने से बचने के लिए आपको सचेत कर रहे हैं। यहाँ हमने कल केवल प्रेमचंद्र जी कहाँ गए थे, चौक में गए थे, कहाँ पे, एक मेवा फरोशी दुकान में। मेवा फरोशी का मतलब क्या है, जो मेवा या ताजे फल बेचने वाले दुकान के सामने, जो ताजे ताजे फल जहाँ पर बिकते हैं उसको क्या कहते हैं, मेवा फरोशी की दुकान कहते हैं। चौक पर चले गए थे, जाने के बाद वहाँ क्या सोचने लगे, आजकल क्या है शिक्षित समाज किसके बारे में जान रहा है, प्रोटीन और विटामिन के बारे में बातचीत चल रही है। यहाँ सोचते सोचते क्या कहा प्रेमचंद्र जी ने, हाँ पहले तो गाजर कोई नहीं पूछता था, आजकल क्या कर रहे हैं उसको ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। पहले गाजर क्या कर रखता था, केवल गरीबों के पेट भरने की चीज थी, आप क्या हो गई है वहाँ, अमीर क्या करते थे वहाँ, केवल वहाँ उसका हलवा ही बना के खाते थे। और उसी तरह से टमाटो क्या हो गया, एक आवश्यक अंग बन गया, किसका, भोजन का आवश्यक अंग बन गया, कहकर सोच रहे थे। आप गाजर को केवल कोई भी नहीं पूछता था, वहाँ मेज पर स्थान क्यों मिलने लगा, क्योंकि गाजर में भी क्या है, प्रोटीन और विटामिन मिल रहे हैं। आप प्रोटीन और विटामिन की बात करती ही जाए तो अब सेब, जब से उन्होंने देखा, क्या देखा, लाल लाल गुलाबी रंगदार सेब देखते ही क्या हुआ, किसके मन में, प्रेमचंद्र के मन में लाल लाल छूट गई, क्या है, मुझे भी कुछ खाना है आज, कहकर थोड़ी सी लालचा उनमें भी आ गई। ये साथ ही उन्होंने क्या किया, आधे सेब सेब लेने के लिए वहां चले गए। सेब के बारे में क्या कहा जा रहा है, एक सेब रोजाना एक सेब खाने से किससे बच सकते हैं, डॉक्टर से बच सकते हैं। यहाँ आम से क्या है, बढ़के तो स्वाद में बढ़के तो नहीं है, घटके भी नहीं है, कहकर सोचने लगे। यहाँ एक सेब खाने से डॉक्टर के बच सकते हैं, मगर डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए हम क्या खाने को तैयार रहते हैं, नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार रहते हैं। नीम कौड़ी का मतलब क्या है, जो नीम का फल हो, नीम का फल उसे क्या कहते हैं, नीम कौड़ी कहते हैं। बेबिना बीज के निकले नीम कौड़ी अंत है। इस यहाँ स्वाद किसकी तुलना की गई, यहाँ आम और किसकी, आम और सेब की तुलना की गई, सेब आम से बढ़के तो नहीं और घटके भी नहीं, स्वाद में आम तो बहुत स्वाद और रस में क्या है, आम बहुत अच्छा है, उसे बढ़के तो नहीं घटके तो भी नहीं, नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार है, वहाँ खाएंगे तो अच्छा होगा, कहकर दुकानदार से मोल भाव किया। मोल भाव का मतलब क्या था, मोल भाव का मतलब है मूल्य, कीमत, दाम, उसके पैसे कितने हैं, कितने सेब के लिए आएगा, कहकर यहाँ पूछने मोल भाव करना, पूछना यह कितने किलो में देगा, कहकर उसकी कीमत क्या है, एक सेब के सेब की कीमत क्या है, आधे सेब की कीमत क्या है, कहकर पूछने लग गए। कौन, प्रेमचंद्र जी किसे पूछने लग गए, दुकानदार से मोल भाव करने लगे, इसको ही क्या कहते हैं, मोल भाव करना कहते हैं। अब यहाँ तक हमने मोल भाव किया, और प्रेमचंद्र जी ने दुकानदार से क्या कहा, आधा से सेब लेने के लिए कहा, यहाँ तक हमने देखा था। आगे क्या होगा, आधा सेब सेब मिले या ना मिले, या मंडी में क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले क्या करना चाहिए, आदर्श भाषण तो करना चाहिए ना, अब हम आदर्श वाचन करते हैं।
आप सभी अपने टेस्ट बुक निकाल के देख लेना। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेवाएं हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुनकर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो आधा से कश्मीर से निकल ला, चुनकर लाना। लौंडा चार से लाया, दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दिया। मैंने चार आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था, एक रुपए आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराग था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। चार आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। यह प्रेमचंद्र जी दुकानदार से क्या कहने लगे। चार रुमाल दिया उन्होंने, क्या कहा, आधा से दे देना। देखिए आप दुकानदार को आधा सेब दिया, आपको भी इसी तरह से बुलाते, आइए आइए बाबूजी, यहाँ कश्मीरी सेब है, यहाँ मलगो, जैसे अभी सीजन किसका चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, मलिका मलगोबा, यह कोई कोई दूसरे नाम केसरी, इस तरह से अलग अलग नामों से आमों को बुला के आपको आकर्षित करते हैं ना दुकानदार। उसी तरह से दुकानदार ने किसको आकर्षित किया, प्रेमचंद्र जी को आकर्षित किया। क्या कहकर आकर्षित किया, आइए आइए बाबूजी, यहाँ कौन से सेब है, कश्मीर से मजेदार सेब आए हैं। कहाँ से आए हैं यह सेब, कश्मीर से आए हैं, मजेदार सेब है, ताजे सेब है, खा के आपकी तबीयत खुश होने, खा के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बनी बनी साहेब रे, इधर एलिंद बनी दवे कश्मीर इंद बनी दवे नहीं तीन तक्षण निम्न आरोग्य ऐन इन चेना सुधारे बनी बनी तक अंत ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಗಡಿಯವ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತಾನೆ. ಯಹಾ ತಕ್ಕಿಯಾ ಉನ್ಹೊನೆ ಮೈನೆ ರುಮಾಲ್ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ ಉನ್ಹೆ ಉಸೆ ದೇತೆ ಹುಯೆ ಕಹಾ ಚುನ್ಕರ್ ರಖನಾ. ಯಹಾ ಜಾಯೆ ಮಂಡಿ ಮೇ ಜಾಯೆಂಗೆ ತೋ ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಗೆ, ಆಪ್ ಹೀ ಚುನೆಂಗೆ ನಾ ಸಾಮಾನ್ ಕೋ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜೀ ನೇ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ, ರುಮಾಲ್ ನಿಕಾಲ್ ಕೆ ಉನ್ಹೆ ದೇ ದಿಯಾ, ಕಿನ್ ಕೋ, दुकानदार को दे दिया, कितने, आधा से दे देना, चुनकर देना भाई, कहकर किसने दिया, प्रेमचंद्र जी ने दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो आधा से कश्मीरी से निकाल ला, चुनकर ला। यहाँ दुकानदार ने अपने नौकर जो सर्वेंट रहते हैं उनसे कहा, क्या आधा से सेब निकाल ला, वो भी कौन से कश्मीरी से, और चुन के लाना उनमें, कहकर दुकानदार ने नौकर से कहा। इस दुकान अंगड़ियव तन्ना केलसदवदिगे एनु हेळ्तने, एनु तगोंबा अंत हेळ्तने, कश्मीरी सेब इदवल्ल अदरल्लि आरिसिकोंडु नालकु सेबन्न तगोंडु तेगेदुकोंडु बा अंत हेळि अंगड़ियव अवन सेवकनिगे हेळ्तने। इस लौंडा चार सेब लाया
दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। लौंडा, लौंडे का मतलब क्या है? यहाँ दिया गया है छोकरा, बालक। जो सेवक था उसे बालक को हम क्या कहते हैं, जो लड़का वहाँ काम करता है उसको छोकरा कहते हैं, बालक। बालक ने चार सेब लाया, दुकानदार ने तोला। तोलना मतलब जो वे तकड़ी अंत हेड़ती था ने, अदरले मड़ दिया गया है तोलना, तराजू। तराजू में तोलने का एक साधन होता है। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें दिया। किसमें तोलते हैं हम? तराजू में तकड़ी लेता है ना, वो ऐना तो वेट मारांगी तो बंद इधर ना वो तूकाना मारती तकड़ी अंदर ना तराजू। तराजू एक एक साधन है, तोलने की एक साधन है। इस दुकानदार ने एक लिफाफा लिया। लिफाफा मतलब वन कवर, एक कवर। लिफाफे का अर्थ क्या है? जो कवर होता है उसमें क्या डाला? सेब। अगर कवर न लेन हाकिद्रो सेब हेन्ना ना हाकिदा। उन्हें रखा और रुमाल में बांध कर दिया। उसमें लिफाफे में रखा, रुमाल का मतलब क्या है यहाँ? कर्शी। निम कर्शी पे तो अकर्शी पले मन कट्टे कोटा। यारो अंगड़ीयवा तन्न कवर नल्ली हाकि, ಒಂದು ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಏನಿತ್ತು ರುಮಾಲ್, ರುಮಾಲ್ ಮತಲಬ ಕರ್ಷಿ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರಿಯು, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ. ಬಾಂದ್ ರುಮಾಲ್ ಮೇ ಬಾಂದ್ ಕರ್ ಮುಜೆ ದಿಯಾ, ಮೈನೆ ಚಾರ್ ಆನೆ ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ರಖೆ. ವಹಾ ಕ್ಯಾ ಕಿಯೆ? ಉಸ್ನೆ ಲಿಫಾಫೆ ಮೇ ಚಾರ್ ಸೇಬ್ ತೋಲೆ, ಆಧಾ ಸೇಬ್ ತೋಲೆ ಔರ್ ಉಸ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ, लिफाफे में डाला और रुमाल में बांध कर दे दिया। किसके हाथ में दे दिया? प्रेमचंद्र जी के हाथ में दे दिया। तुका मारिद्रु कश्मीरी सेब इद्रु ಒಂದು ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎದ್ರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸೀದಾ ಲೇಖಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಘರ್ ಆಕರ್ ಲಿಫಾಫಾ ಜೀವ ಕಾತಿ ರಖ ದಿಯಾ. घर आते ही उन्होंने क्या किया? जो लिफाफा लेके आए थे जैसे का वैसे ही वहां पे रख दिया। किसने रखा? प्रेमचंद्र जी ने देखा भी नहीं। जो रात शाम गए थे ना, संजय आगे तरह मार्केटिंग होता गया, मार्केटिंग बड़ा शक्ति के रात रह गए। सो उन्होंने क्या किया? जीव का क्यों अंदर एज इट इज यथारीति आगे यहाँ रीति सेबिंग तरह आ कवर अल्ले ಹಂಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಜೀವಕ ಕ್ಯೂಕ ರಕ್ಷಣ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದ ಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೀವಕ ಕ್ಯೂ ರಕ್ಷಣ. ಎಸ್. ರಾತ್ ಕೋ ಸೇಬ್ ಆಯಾ, ಸೇಬ್ ಯಾ ಕೋಯಿ ದೂಸರಾ ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಕಾಯ್ದಾ ನಹೀ ಹೈ. ಸೇಬ್ ಯಾ ದೂಸರಾ ರಾತ್ ಕೋ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸೇಬ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಏನದು ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ನಿಯಮ. ಕಾಯ್ದೆ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ನಿಯಮ, ರೀತಿ. ಯಹ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ನಿಯಮ ಹುವಾ ಯಾ ರೀತಿ ಕಾ ರೀತಿ ನಹೀ ಹೈ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ನೀತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಸಮಯ ತು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಹೈ. ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಸಮಯ ಕಬ್ ಹೈ? ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಸುಬಹ. ಸುಬಹ ಮುಂಜಾನೆ. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಸಮಯ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸುಬಹ ಮೂಹಾತ್ ಧೋಕರ್ ಜೋ ನಾಷ್ಟಾ ಕರ್ನೆ ಕೆಲಿಯೆ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲಾ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಕ್ಯಾ ಕಿಯೆ? ಜೀವ ಕಾ ತ್ಯೂ ಸುಬಹ ರಾತ್ ಮೇ ಆಕೆ ರಖ ದಿಯಾ ಥಾ ಔರ್ ಉನ್ಹಾ ಸೋಚಾ ಕಿ यह खाने का समय, फल खाने का समय रात को नहीं है, प्रातः काल है. कहकर सुबह उठ के मुंह हाथ धो के वह क्या किया उन्होंने? एक सेब निकाला. किसमें से? लिफाफे में से. ये प्रेमचंद्र जी और ये योजना ಮಾಡಿದ್ರು ನೋದು समय ಯಾವುದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸೋ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ ಆ ಗಂಟನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮುಖ ತಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ವಹ ಏಕ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ ಅವನೆ ಅವ್ರು ನಾಷ್ಟ ಕಲಿ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ ತೊ ವಹ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಥಾ ಸಡಾ. ಸಡಾ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಡಿಕೇ, ಜೊ ಖಾನೆ ಕೆ ಲಾಯಕ್ ನಾ ಹೋ, ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು, ಒಂದ್
अंगूर से बेल रुपए के आकार का छिलका गल गया था। अगर ले आएंगे तो एक सेब रहता है, यहाँ एक सेब है, यहाँ के एक रुपए के आकार का ऐसा किस तरह से एक रुपए के आकार का क्या हो गया था, गल चुका था। डी के आगे तो अली वंदु रुपए आकार अगले ना गिता दो कोड़ होग बिटी तो वंदु सेब तक तक्षणी वंदु रुपए सेब ना आकार अगले कोड़ तीव तो गला अंतर डी के आगे तो वंदा हेल्कर। अब नेक्स्ट समझा, रात को दुकानदार ने देखा ना होगा और सोचने लगे ओ यहाँ चार सेब डाले हैं, मैंने रात को गया था तो शायद दुकानदार ने देखा ना होगा, ऐसे ही डाल दिया है। और योशी मत कर है ओ नानेन अदना ಅಂಗಡಿಯವನೇನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೇಬು ಇನ್ನು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅವ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿರಬಹುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರಜಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ। ಇವನು ದೂಸರ ಸೇಬು ನಿಕಾಲ, ದೂಸರ ಸೇಬು ನಿಕಾಲ್ದೆ ಇವನು ದೇಖಾ ಕ್ಯಾ ದೇಖಾ, ಆಧಾ ಸೇಬ್ ಸಡ್ ಚುಕಾ ಹೈ, ಆಧಾ ಸೇಬ್ ಸಡ್ ಗಯಾ ಹೈ, ಕೇವಲ ಯಹ ಏಕ್ ರುಪಯ ಕಾ ಆಕಾರ ಕಾ ಥಾ, ದೂಸರೆ ರುಪಯ ಕಾ ಆಧಾ ಸಡ್ ಗಯಾ ಥಾ, ಯಹ ಸಂದೇಹ ಹೋತಾ ಹೈ, ಓ ಯಹ देखा नहीं है, जानबूझकर मुझे धोखा दिया है कहकर यह समझते संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, वहां संदेह किया। और अली योशी मटर और संदेह बरते हैं ना अंगड़ी बनाइए मोस मारिदाना अंतली और संदेह बरते। ये तीसरा सेब निकाला तो यह सड़ा तो ना था मगर एक तरफ से दबकर बिल्कुल पिचक गया था। यह तीसरा सेब थर से यह निकाला तो यह क्या था, यह तो सड़ा नहीं था, एक तरफ से पिचकना प्रेस आगितु अर्धा प्रेस आगितु अंतली है, यह तो सड़ा तो ना था पिचक गया था। पिचकना जो कुछ भी कोई दो अब चीजों को रखते हैं तो क्या हो जाता है, आधा पिचक जाता है, अर्धा हम प्रेस आगितु था ना आगितु आगितु यस पिचक गया था। चौथा निकाला तो प्रेमचंद्र जी वह क्या थे, यूं तो बेदाग था, यहाँ तो दाग, यहाँ सेब में क्या है कुछ दाग नहीं थे, सीधा था, बेदाग था, बेदाग मतलब जो दाग ना हो, बेदाग मतलब साफ अच्छी तरह से रहना, अच्छी तरह से जो दिखता है, यहाँ सभी दाग लगे हुए हैं ना, क्या है एक रुपये का आकार का गल गया है, यहाँ सड़ा हुआ है, यहाँ पिचक गया है, तीन सेब की हालत इस तरह की है। चौथे सेब क्या है, सीधा है, कुछ उसमें दाग नहीं दिखाई दे रहे हैं, बेदाग मतलब साफ अच्छी तरह से रहने को हम क्या कहते हैं, बेदाग कहते हैं। इस वहां मगर उसमें एक काला सुराग था, एक काला सुराग, काला सुराग का मतलब क्या है, ब्लैक होल, वंदे वंदु ब्लैक होल करी वंदु होल, हाँ होल आगे ब्लैक होल हो गया था। इस अक्सर बेरों में होता है, अक्सर बेरों में होता, बेर का मतलब क्या है, यहाँ ಬಾರೆಹಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಾರೆಹಣ್ಣು ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳುಕು ಬೀಜ ಹುಳುಕಿರುತ್ತೆ ತಾನೇ, ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋರ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹುಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹುಳುಕತ್ತಿರ್ತದೆ ಸುರಾಗ್ ಜಿಸ್ ತರ ಸೆ ಬೇರೋ ಮೇ, ಬೇರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಬೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನೀಗ, ಬಾರೆಹಣ್ಣು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಾರೆಹಣ್ಣಿನ ತರ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಸುರಾಗ್, ಸುರಾಗ್ ಮತ್ಲಬ್ ಹೋಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ। ಇಸ್ ಬೇರೋ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಾಟಾ ತೋ ಭೀತರ್ ವೈಸೆ ಹೀ ಧಬ್ಬೆ ಜೈಸೆ ಬೇರ್ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೈ, ಕಾಟಾ ಜೈಸೆ ಕಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಉಸ್ ಸೇಬ್ ಕೋ ಕಾಟ್ತೆ ಹೈ, ಕಾಟಾ ತೋ ದೇಖಾ ಜೈಸೆ ಕಿ ದೋ ಕರ್ತೆ ಹೈ ವಹಾ ಜಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಬೇರ್ ಮೇ ಅಂದರ್ ಧಬ್ಬೆ ಧಬ್ಬೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ वहाँ अंदर धब्बे थे, बाहर तो जिस तरह से दिखाई दे रहा था उस तरह से अंदर नहीं था, अंदर सड़ चुका था, धब्बे मतलब दाग, दाग वहाँ पे थे अंदर। इस चौथे चार सेब दिया था दुकानदार ने, चार के चार सेब भी खाने के लायक नहीं थे, नालक सेब और तगो मेरो नालक कुड़ल तिन्न के लायक नहीं लान करता है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಎರಡನೇದು ಅರ್ಧ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಮೂರನೇದು ಅದೇನು ಕೆಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಸ್ ಏಕ್ ತರಫ್ಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ ಥಾ ವಹ ಪಿಚಕ್ ಗಯಾ ಥಾ, ಮಾನೋ ಕೋಯಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಿಯಾ ಹೋ ಜೋ ಜೋರ್ದಾರ್ ಸೆ
दबा हुआ, पिचक ना मतलब दबा हुआ हुआ था है, उस तरह से हुआ था। चौथा दाग तो इस तरह से बेदाग था, मतलब अंदर बेरों में जिस तरह से दाग होते हैं उस तरह से हुआ है कहकर किसको, प्रेमचंद्र जी को बहुत हैरानी हो गई। इस तरह से चार आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का है। उन्हें जो चार पैसे उन्हें दिए हैं किसको, दुकानदार को, इतना गम नहीं था। जो चार आने पैसे यह सेब लाने के लिए कितने पैसे दे, चार आने दे के लाए हैं, मगर इतना गम ना था जो इस समाज में चारित्रिक में हमें है। हम दुकान में क्या जाकर लेते हैं, अच्छे सेब है आज हम जब खा के लेकर आते हैं, मगर यह धोखेबाजी करेंगे तो बहुत सारा दुख होता है। नहीं, चारित्रिक पतन का मतलब है इस चरित्र जो दूसरों को धोखा देने में ही वहां रहते हैं, इस तरह से उन्हें बहुत नाराजगी हो गई। ये साथ सब ने नाराज हो गए, यहाँ दुकानदार को जाके वापस देते हैं या नहीं देते हैं, या वह क्या करते हैं, किस तरह से वह मुंशी प्रेमचंद्र जी या चारों की हालत, जिस आप क्या करेंगे, जिस तरह से आपको इस तरह से कश्मीरी से इस तरह के मिलेंगे तो आप दुकान को जाके वापस दे के आएंगे या नहीं, जैसे का वैसे ही रखेंगे, काट चुके हैं लेगा वो या आप जाके उसको लड़ाई करेंगे, यह आपका फैसला है। वो प्रेमचंद्र जी आज क्या करेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रेमचंद्र जी वहाँ खाएंगे या उसी तरह से रख देंगे या दुकानदार को जाके सबक सिखा के आएंगे।